आते ही गाली गलौज शुरू की और मारपीट शुरू की और विधायक की पगड़ी भी उतारी। वहाँ पे जो उनके साथ में माफिया के साथ में बंदे थे, उन्होंने वहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर थे उससे हमला किया और जो विधायक जी की छाती में लगा है। रोपड़ के आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह पर माफिया ने, लैंड माफिया ने या हनन माफिया ने हमला किया है, जिस कारण वो बुरी तरह घायल हो गए हैं। उस समय प्रत्यक्ष जसी राकेश जिंदल जी जो उस समय MLA साहब के साथ थे, वो हमारे साथ हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये हमला क्यों हुआ और कैसे हुआ। जल साहब, ये हमला कैसे हुआ? हमले की मैं आपको शुरू से बात बताता हूँ कि जैसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमरजीत सिंह संधोआ जी जो शुरू से ही खनन माफिया के खिलाफ आवाज़ उठाते आए हैं, जो नाजायज माइनिंग होती है वहाँ, तो इसी सिलसिले बार में उन्होंने 15 दिन पहले जो है वहीं उसी जो नाजायज माइनिंग हो रही थी वहाँ पे छापेमारी की थी और प्रशासन को जो है 7-8 टिप्पर और पोकलैंड मशीनें जो हैं उनको चाबियां सौंपी थी। लेकिन प्रशासन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अपनी जो है कुंभकर्णी नींद से नहीं जागा। 2 दिन पहले जब ADC को इस बात से फिर से अवगत कराया गया कि वहाँ पे नाजायज माइनिंग हो रही है, तो वो ऊपर से बोल रहे हैं कि ये MLA साहब आपको वहम हो गया है, वहाँ पे किसी तरह की कोई नाजायज माइनिंग नहीं हो रही है। तो अब जब प्रशासन ही नहीं सो रहा, तो अभी आज MLA साहब अपने कुछ पार्टी वर्करों के साथ और कुछ मीडिया कर्मियों के साथ वहाँ पे फिर से पहुँचे जहाँ पे नाजायज माइनिंग चल रही थी। तो जैसे ही उन्होंने वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे जो करिंदे थे उन्होंने अपने आकाओं को फ़ोन किया ऊपर के ऐसे ऐसे MLA साहब आए हैं, छापेमारी हो रही है। तो सारा मंजर जो है मीडिया कर्मियों ने अपने कैमरे में वो कैद किया। तो जब वहाँ पे चल रहा था सब कुछ, इतने में वो मीडिया अपने जो माफिया वाले थे वो वहाँ पे आए, उन्होंने बावजूद इसके कि कोई बात शुरू की करते आते ही गाली गलौज शुरू की और मारपीट शुरू की और विधायक की पगड़ी भी उतारी। तो इसमें मतलब कि घायल होने वाली क्या है, मतलब कि इतना जो घायल हो गए हैं बहुत सीरियसली घायल हो गए हैं, तो क्या कोई फायरिंग वगैरह हुई या क्या रीज़न रहा? इस तरह से नहीं, अगर फायरिंग होती तो मंजर कुछ और ही हो सकता था। वहाँ पे जो उनके साथ में माफिया के साथ में बंदे थे उन्होंने वहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर थे उससे हमला किया और जो विधायक जी की छाती में लगा है, जिससे उनको वहाँ पे जो सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही थी। तो तुरंत वहाँ पे जो सिविल हॉस्पिटल आनंदपुर साहब है वहाँ पहुँचाया गया उनको, वहाँ से उन्होंने जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम ने उनको PGI रेफ़र किया। मुझे एक बात हमें समझ नहीं आ रही, लगभग सभी विधायकों के पास सिक्योरिटी मिली हुई है, मुझे लगता है अमरजीत सिंह जी के पास भी सिक्योरिटी थी, उसके बावजूद ये कैसे हो गया, कैसे संभव हुआ? कि क्या वो सिक्योरिटी गार्ड साथ में नहीं थे या उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की, क्या रीज़न रहा? बात ऐसे है, सिक्योरिटी गार्ड दो गनमैन जो थे वो साथ में थे, लेकिन जब उन्होंने एकदम से अचानक हमला किया तो वो जो दोनों गनमैन हैं वो विधायक को बचाने में लगे रहे और जो उनके साथ में और माफिया वाले बंदे थे उन्होंने और अटैक ज़्यादा शुरू कर दिया। अगर वहाँ पे कोई किसी भी तरह की गोलीबारी का कांड होता तो कुछ सीन और हो सकता था, हो सकता है कुछ जानी नुकसान भी हो जाता वहाँ पे। तो क्या इस हमले में सिर्फ MLA साहब ही घायल हुए हैं या किसी और को भी चोटें लगी हैं किसी प्रकार? MLA साहब के साथ में जो उनके PA हैं जसपाल, उनको भी, उनके ऊपर भी हमला हुआ है, डंडों से उनकी पिटाई की गई है और जो एक गनमैन थे उनकी भी पगड़ी उतारी गई है और उनसे हाथापाई की गई है। तो आप बता सकते हैं कि ये लोग कौन थे जिन्होंने हमला किया? देखिए, नेचुरली वो हमारे शुभचिंतक तो नहीं थे, हो सकता है माइनिंग माफिया वाले ही होंगे जिन्होंने आके ये कदम उठाया है। तो उनकी कोई आइडेंटिटी वगैरह आप बता सकते हैं अभी किस तरह के पहले, क्योंकि आप तो ऑलरेडी उनकी कंप्लेंटें करते आ रहे हो तो आपको तो पता होगा अभी। एक्चुअली मैं उसी बारे में बता रहा हूँ कि जो मेरा आज यहाँ पे आना हुआ वो पहली दफ़ा यहाँ पे MLA साहब के साथ आना हुआ था, हो सकता है MLA साहब की कोई उनके साथ अगर उनको पहचानते हो तो हो सकता है, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। चलो, थैंक यू। ये थे राकेश जिंदल जी जो कि बता रहे थे कि MLA साहब पर कैसे माफिया ने हमला किया और कैसे घायल हुए। मैं दिनेश कौल, कैमरामैन दीपक के साथ दैनिक सवेरा TV के लिए चंडीगढ़ से।